तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट टू सेशन में। पार्ट वन वाले सेशन में मैंने कुछ जो ऑब्जेक्शंस है वो कवर करी थी, और मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन आना एक बहुत अच्छी बात होती है। काफी लोग ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उसको बुरा मान जाते हैं कि ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमारे बिजनेस में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इसका मतलब उन्हें कुछ समझ में आया है और वो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर एक और एग्जांपल देखें इससे रिलेटेड, कि अगर कोई टीचर है और वो क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उसके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये लगेगा कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछने लगेंगे स्टूडेंट्स, तो इस टीचर को पता चलेगा कि वो स्टूडेंट्स उनकी बात समझ रहे हैं। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी अगर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपको ये बात समझ में आ रही है और उसके चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए और वो हमारे बिजनेस में आ जाए। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, स्टार्टिंग में किसी को भी कौन से क्वेश्चन पे क्या आंसर दें वो नहीं आता है, लेकिन ये मीटिंग बार बार अटेंड करने से आप सबको नॉलेज हो जाएगी और आप हर क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, एक ऑब्जेक्शन आता है, लोग बाग कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या वो वैसे है भी या नहीं। अब देखिए, इसमें आप अगर कोई ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए कि ये पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी क्वालिटी वाकई में अच्छी है या नहीं। तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि अगर हम उसको यूज करेंगे तब पता चलेगा। तो तब फिर आप बोलेंगे कि देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी पहले जब ज्वाइन किया था मैंने सारे प्रोडक्ट यूज करे, और हर महीने मेरी टेंडेंसी ये रहती है कि मैं कोई ना कोई नया प्रोडक्ट यूज करूं, और मुझे हर प्रोडक्ट के काफी बेनिफिट्स मैंने महसूस किए और मैंने पाया कि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डिश वॉश है, बर्तन और कपड़े धोने के लिए, वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं और ज्यादा चलते हैं। तो ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट आपने यूज करे हैं आप उनकी खासियत बता सकते हैं, या आप हमारी जो ग्रीन वाली साबुन है, नॉर्मल साबुन है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो नॉर्मल साबुन से 3 गुना ज्यादा चलता है। हमारा जो राइस ब्रैन ऑयल है वो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल से डबल चलता है, मतलब अगर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल 4 लीटर लगता है तो हमारा 2 लीटर में काम हो जाता है। तो वो क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसमें धुआं बिल्कुल नहीं होता राइस ब्रैन ऑयल में। तो यही चीजें प्रूव करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं। और एक और अच्छी बात है कि हमारे हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है 100% रिप्लेसमेंट गारंटी, मतलब अगर कोई भी सामान किसी को भी पसंद नहीं आता है तो वो वैलिड रीजन के साथ अपने नियरेस्ट सेंटर पे वापस कर सकते हैं, खुला हुआ भी। तो ये हमारे वेस्टीज के हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ मिलेगा, जबकि ये मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इससे उनको विश्वास होगा आपके प्रोडक्ट्स पे, और वो उनके मन में से ये दुविधा, ये क्वेश्चन हट जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी क्या है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मैं मेंबर कैसे बनाऊंगा, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो आप उनसे पूछे कि आप अभी किससे बात कर रहे हो, आप अभी भी तो मेरे से बात कर रहे हो, आप ऑफिस में काम करते होंगे, ऑफिस में भी किसी से बात करते होंगे। प्रोस्पेक्ट बोला कि हाँ। फिर आप पूछिए कि आप घर में फैमिली से बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट बोला कि हाँ। आप उनसे पूछिए कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या आप किसी दुकानदार से बात करते हैं, सामान लेना है तो आप दुकानदार से बात तो करते ही होंगे, या कभी आप रास्ता भटक जाए तो आप किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ। तो फिर आप बोलिए कि जब आप इतने सारे लोगों से बात कर सकते हैं तो ये भी तो लोग ही हैं, आपको बस इस बिजनेस के बारे में अपने फ्रेंड्स और लोगों से बात करनी है, और केवल बस इनिशियल बात करनी है, बाकी प्लान वगैरह
हम आपको हम आपके प्रोस्पेक्ट्स को देंगे, जब आपको प्लान देना आ जाएगा तब आप दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम मिलजुल के काम करेंगे और केवल आपको उनसे इनिशियल बात करनी है कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और आप उसमें चाहते हैं कि वो भी उनके साथ ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें पार्ट टाइम का 1 से 2 घंटा काम करके भी आपको अच्छी खासी इनकम आ सकती है। बाकी काम हमारी मीटिंग्स होती है, CNT होती है सेंटर्स पे, और ऑनलाइन जूम पे भी होती है, वो हम अपने सीनियर से कराते हैं। तो इस तरह से उनको लगे कि इतना भी मुश्किल नहीं है, केवल मुझे बताना ही तो है, मीटिंग में लाना ही तो है, तो इससे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो ज्वाइन कर लेंगे और उनके मन में से ही जो दुविधा है वो निकल जाएगी। फिर वो कहेंगे कि मुझे डिस्काउंट दे दो, क्योंकि मार्केट में तो 30% से ज्यादा मुझे ये सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आप उनको बोलिए कि आपको पता है कि पेप्सी की बोतल 10 रुपए की आती है, वो बोलेंगे कि हाँ। फिर आप उनसे पूछे कि अगर कोई 10 रुपए वाली पेप्सी अगर 7 रुपए में दे रहा हो तो क्या आप ले लोगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि नहीं। आप पूछिए कि क्यों नहीं लोगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हो सकता है कि कुछ धोखा हो या माल नकली हो, तो यही सच्चाई है। फिर आप बोले कि यही सच्चाई है कि देखिए हमें प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से कम नहीं दे सकते। अगर आपको कहीं ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वही हमारा सेम प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिल रहा है तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट गारंटी आपको नहीं मिलेगी, और अगर उसमें डिस्काउंट में मिल रहा है तो उसकी जेन्युइननेस वेस्टीज नहीं देती है। अगर आप वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो आपको 100% रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है और जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो ऑनलाइन मिल रहा है उसकी जेन्युइननेस की कोई गारंटी नहीं है। इससे उनको विश्वास आएगा और ये उनके जो मन में है कि 30% डिस्काउंट ऑनलाइन मिल रहा है तो मैं भी ले लूं। प्लस आप एक चीज और बोल सकते हैं कि वेस्टीज ने उनपे कार्रवाई करी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और लीगल एक्शन लिया है उनके खिलाफ, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक नहीं बिक पाएंगे, और टाइम टाइम पे अगर कोई कंप्लेन होती है तो वो टाइम टाइम पे उनपे कार्रवाई कर दी जाती है। और अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो वो आप वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, ऑनलाइन मत लीजिए। प्लस एक और फायदा होगा कि अगर आप वेस्टीज में आईडी लगा के ये प्रोडक्ट लेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ा लीडर मिल जाए जो आपके साथ आपके नेटवर्क में शामिल हो और आपको और अच्छी इनकम देने लगे। तो आपको ये जो डिस्काउंट जो अभी 30% आपको अच्छा लग रहा है जो ऑनलाइन मिल रहा है, हो सकता है ये 100% पे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपकी टीम आपका नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको यूज करने के पैसे मिलने लगे और जितना आप खरीदोगे उससे ज्यादा आपको पैसा खाते में आने लगे। इससे काफी अच्छा रहेगा और आप उनके सही जवाब दे पाएंगे। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। तो आप उनको बोलिए, अगर वो शादीशुदा है तो आप उनको बोलिए कि आपकी शादी में कितने लोग आए थे, वो बोलेंगे लगभग 300 से 400। बाय चांस अगर वो शादी में उनकी शादी नहीं हुई है तो आप बोलिए कि आपने कोई कॉलेज में पार्टी करी होगी और वहां पे भी आपने किसी अपने दोस्तों को बुलाया होगा, या आपने कभी अपनी बर्थडे पार्टी करी होगी, चाहे बचपन में करी हो या अडल्ट होके करी हो, तब भी वो बोले कि हाँ उसमें भी 50-60 लोग आए थे। और या शादी अगर शादी की बात होती है तो आप वो बोले 300-400 लोग आए थे कम से कम, इतने तो हर शादी में होते ही है। तो ये सब आप एक पेपर पे लिख दीजिए और उनको बोलिए कि ये सब आपने कैसे बुलाया था उनको, कि कुछ पेपर में न्यूज़पेपर में ऐड दिया था? उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हमारे जान पहचान के ही थे। फिर आप उनसे पूछिए आपके मोबाइल फोन में कितने नंबर है, वो बोलेंगे कि 250-300। फिर आप उनको बोलिए आप फेसबुक यूज करते हैं, वो बोलेंगे कि हाँ। उसमें कितने फ्रेंड्स हैं, वो बोलेंगे कि 1000-2000, इतने तो नॉर्मली सबके ही होते हैं। तो आपको देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके पास कांटेक्ट नहीं है और आपके पास 250 से 300 तो कांटेक्ट मोबाइल में ही है, बाकी 1000-2000 आपके फेसबुक में भी है, तो देखिए यही तो है आपकी कांटेक्ट लिस्ट, और कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? तो देखिए इससे उनको अपने आप को पता चल जाए कि उनके कितने लोग कांटेक्ट में हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं उनके सामने ही, आप अपने साथ देखिए, जैसे कल लवली मैम ने भी बताया था कि आपको टूल
बॉक्स ले जाना चाहिए अपना, मतलब जो फाइल होती है वो ले जानी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ आप ब्लैंक पेपर्स भी ले जाइए या कोई पैड ले जाइए और उनसे बोलिए कि अभी मेरे को आप 10 नाम लिख के दिखाइए जिनको आप इस बिजनेस पे लाना चाहते हैं। तो वो झट से 10 नाम आराम से लिख देंगे। फिर आप उनको बोलिए कि देखिए आप कह रहे थे कि आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है और आपने अभी ऑन द स्पॉट 10 नाम लिख दिए। और देखिए ये मैं बताऊं कि ये वाली एक्सरसाइज मैं बहुत करा चुका हूं लोगों से। जो लोग कहते थे कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैंने उनको पेपर दे दिया और उन्होंने 15 मिनट के अंदर 10 नाम आराम से लिख दिए। तो यही चीजें हैं कि अगर सही नॉलेज हो तो आप बहुत अच्छा यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे लेकिन उनका सही जवाब आपको आना चाहिए। उसके बाद काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे अंकल ने या मेरे पड़ोसी ने या मेरे दोस्त ने भी ये किया था लेकिन चलानी इस वजह से छोड़ दिया। अब उनको इसका आंसर आपको ये इस तरह से दीजिए, उनसे पूछे कि आपके पास कौन सा वाहन है, आप कौन सा वाहन चलाते हो। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कार, कार बोलेगा या बाइक बोलेगा या साइकिल बोलेगा या स्कूटर बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो आप उनसे फिर पूछे कि वो अपने आप चलता है या चलाना पड़ता है। वो बोलेगा नहीं चलाना पड़ता है। तो आप उनसे फिर एक चीज और पूछे कि देखिए कोई भी काम अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है सही तरीके से, सही सिस्टम को फॉलो करते हुए। अब आप ये बताइए कि मैरिड लाइफ, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मली चलती रहती है, ऐसी चलती रहती है, या कुछ एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है? क्योंकि देखिए जब दो लोग अलग अलग घर से मिलते हैं तो आपस में उनको कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो मैरिड लाइफ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ही चलती है। और फिर उनसे पूछिए, थोड़ा सा और इस पे रोशनी डालिए जिससे कि उनके मन में से डाउट खत्म हो जाए कि देखिए जॉब भी हमें चला अपने आप नहीं चलती, हमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और तभी वो चल पाती है। एक और एग्जाम्पल दीजिए उनको। देखिए उनको बोलिए कि मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि देखिए एक ही क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनको एक ही टीचर पढ़ाती है, मान लीजिए मैथ्स पढ़ाती है, तो क्या सारे बच्चे फेल होते हैं उसमें? ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे फेल होते हैं कुछ बच्चे पास होते हैं, लेकिन टीचर तो वही है। तो देखिए होता क्या है कि जो बच्चे फेल हो गए उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया और सारा पेपर आउट ऑफ द कोर्स आया, आउट ऑफ द सिलेबस आया। और जो बच्चा पास हो गया उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ आप मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और सारा बहुत आसान पेपर आया। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से सिस्टम को फॉलो करते हैं। और सेम क्लास में जब ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे टॉप कर रहे हैं, कुछ बच्चे 100 में से 100 ला रहे हैं, तो वो ही यहाँ पे होता है। देखिए हर किसी हर कोई हो सकता है कुछ रीजन हो गया हो, उन्होंने सही तरह से सिस्टम फॉलो ना किया हो या उनको गाइडेंस सही ना मिली हो या उन्होंने ज्यादा लगन से काम ना किया हो, तो वो पास नहीं हो पाए, यहाँ पे फेल हो गए। जैसे कि एग्जाम में भी लोग फेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने पास होना बंद कर दिया या लीडर्स ने सफल होना बंद कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, आप हमारे सक्सेस सेमिनार में विजिट कर सकते हैं, हमारे CNT सेशंस में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पहले ही यहाँ पे सफल हो चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल काफी अच्छा रहेगा, ये जो मैंने बताया, इन सबको आप रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देख सकते हैं और तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए एक और चीज बोलते हैं लोग बाग के, मैं अपने अंकल से पूछूंगा या अपने पड़ोसी से पूछूंगा क्योंकि उन्होंने ये काम किया हुआ है तो मैं उनसे गाइडेंस लूंगा। आप उनसे फिर बोलिए कि देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर पूछना चाहिए। अब इस बात पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप उनको बोलेंगे कि देखिए 3 लोग हैं, मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन्होंने ए जो है, इन्होंने ईंटों का भट्टा लगाया, ईंटों की फैक्ट्री लगाई और वो बहुत सफल हो गए। लेकिन बी इंसान ने ईंटों का भट्टा तो लगा लिया लेकिन चला नहीं पाया, और सी ने लगाया ही नहीं लेकिन वो भी बी का पड़ोसी है। तो आप ये बताओ कि अगर आपको भट्टा लगाना है तो आप किससे गाइडेंस लोगे, ए से लोगे, बी से लोगे या सी से लोगे? वो कहेगा मैं ए से लूंगा।
क्योंकि जो इस काम में सफल हुए हैं मैं उससे गाइडेंस लूंगा। लेकिन अगर आपने बी, फिर आप बोलिए कि लेकिन अगर आपने बी से गाइडेंस ले ली तो फिर फायदा क्या होगा, वो तो सफल हो ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसे इंसान लोगों से राय लेनी चाहिए जो यहाँ पे ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो आपको वेस्टीज के सीनियर लीडर्स जो यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे नहीं जिन्होंने या तो वेस्टीज करा ही नहीं या वेस्टीज में सफल नहीं हो पाए। और आप फिर उनको फील फेल्ट फाउंड टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। उनको बोलिए कि मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा फील हो रहा होगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किसी से गाइडेंस ले लूं, लेकिन मेरे फिर सीनियर ने मुझे समझाया और फिर मैंने पाया कि मैं गलत जा रहा था और मैं मुझे उन्हीं लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए थी जो यहाँ पे ऑलरेडी सफल है। क्योंकि मुझे भी लोगों ने भटकाया था, मुझे भी लोगों ने बोला था कि ये बेकार का काम है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मैंने यहाँ आके पाया कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इनकम है और यहाँ पे अगर लगन से जोश और जुनून के साथ किया जाए तो बहुत सारा बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी जा सकती है और बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अगला ऑब्जेक्शन आता है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को इस बिजनेस में ला नहीं पाऊंगा। तो आप उनको बोलिए कि देखिए अगर कोई कन्विंस ना होना चाहे तो उसको तो कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। और आप फिर आप उनको और बोलिए कि देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कन्विंस करते हैं, हम उनको सही इंफॉर्मेशन देते हैं और सारे फैक्ट्स बताते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। लेकिन अगर उनको अच्छा लगता है तो वो हमारे साथ जरूर ज्वाइन करते हैं अगर उनको सारी चीजें समझ में आती है। समझाना हमारा काम है, अगर वो रेजिस्ट करेंगे, वो अगर जबरदस्ती करेंगे कि नहीं मुझे नहीं समझना है तो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप सही फैक्ट्स बताइए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए और उनको बताइए तो वो काफी चांसेस होंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये बहुत पॉपुलर है, ये अच्छा वो तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो चेन वाला सिस्टम है, ये तो नहीं चलेगा, मुझे नहीं पसंद ये। फिर आप उनको बोलेंगे कि आप बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे, वो बोलेंगे तीन, दो तीन चार जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में काफी लोग होते थे, चेन काफी ज्यादा होती थी। उसके बाद फिर आप उनसे पूछेगा कि उनके कितने बच्चे थे, वो बोलेंगे तीन चार पांच छह दस ग्यारह ये कितने भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप उनसे पूछे कि उन सबके कितने बच्चे हैं, मतलब एक दादाजी के कितने बच्चे थे और दादाजी के बच्चों के कितने बच्चे थे, यानी कि आपकी कजन्स, ये सब आप पेपर पे लिखते जाइए जो भी वो बोलते रहे। फिर उनसे पूछिए कि आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, वो बोलेंगे सीईओ या मैनेजर या जो भी बोलेंगे। उसके बाद बोलिए उनके कौन रिपोर्ट करता है, आप वो बोलेंगे कि चार मैनेजर हैं, चार हैं, पांच हैं, छह हैं, सात हैं, दस हैं, जितने भी हैं। फिर उनसे बोलिए कि उनको उन चारों को या पांचों को जो भी मैनेजर है उनको कौन रिपोर्ट करता है, फिर वो बोलेंगे जनरल मैनेजर। इसी इसी टाइप से आप पूरा जो भी लेवल्स है वो आप बोल सकते हैं, क्लर्क कितने हैं, पियोन कितने हैं। तो फिर आप उनको बोलेंगे कि देखिए ये भी तो एक चेन ही है, ये भी तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप उनको बोलिए देखिए जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से मरने तक हम जाने अनजाने में बहुत सारी चेन में जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी, लेकिन वो हमें एहसास नहीं होता। और एमएलएम को हम सोचते हैं कि ये चेन है, पता नहीं क्या क्या बवाल है। हम सब्जी वाले की भी चेन में है क्योंकि हम नॉर्मली एक सब्जी वाला चुन लेते हैं और उसी से सब्जी लेते हैं, या एक दूध वाला भी फिक्स हो जाता है उसी से हम दूध लेते हैं, या कोई स्कूल की चेन में भी है। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली अगर कोई स्कूल की क्वालिटी अच्छी हो तो घर के सारे बच्चे जनरेशन टू जनरेशन उसी स्कूल में जाते हैं, तो हम उसकी भी चेन में है स्कूल की भी। कोई हमारा फैमिली डॉक्टर भी होगा उसकी भी चेन में है। तो चेन तो देखिए चेन से कोई बचाव नहीं है, बिना चेन के कोई भी बिजनेस नहीं चलता। और आप एक सिंगल प्रोडक्ट अगर एक साबुन भी मार्केट से खरीदेंगे वो भी एक बहुत बड़ी चेन से होके आता है, पहले कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है उसको, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, डीलर, बीच में बहुत सारे लोग हैं, एक चेन बनी हुई है, जब तब जाके आपको सामान मिलता है। तो यहाँ पे भी वही है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से आपको अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है।
और जनरेशन टू जनरेशन आपकी आगे आने वाली जनरेशन को भी पैसा मिलेगा आपके जाने के बाद भी। तो उसके बाद देखिए एक और आता है कि इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी है, और मैंने एक्स वाई जेड, हो सकता है वो कुछ भी नाम ले, एक्स वाई जेड कंपनी को ज्वाइन किया था, मुझे वहां रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे वहां सफलता नहीं मिली। तो आप उनके जो भी आपका लेटर पैड जो आप लेके गए हैं, जो ब्लैंक पेपर्स लेके गए हैं, उसमें एक लाइन खींचे बीच में, और उन्होंने जो भी कंपनी का नाम बोलिया बोला है वो कंपनी का नाम लिखिए, बगल में वेस्टीज का नाम लिखिए, वेस्टीज की जो खासियत है वो लिखिए और उसको कंपेयर कर दीजिए। देखिए अब कंपेरिजन कैसे होगा, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वेस्टीज वर्सेस अदर कंपनी, वो आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन आपके साथ फिर लूं इस टॉपिक पे, जिससे हम कंपेयर कर देंगे। तो उससे आप कंपेयर कर देंगे तो उनकी जो मन में दुविधा है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस आते हैं लोग बाग के कुछ कहते हैं कि हम अपना काम करना चाहते हैं, हम किसी और के लिए काम क्यों करें। तो आप उनसे पूछें कि देखिए आप किसी भी शॉप में जाते हैं या एजेंसी खोलते हैं तो वो भी तो प्रोडक्ट किसी और की ब्रांड होती है। अगर आप कोई स्टेशनरी शॉप खोलेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांड के आप प्रोडक्ट रखेंगे, तो तब भी तो आप किसी और का लोगो यूज करेंगे। और आप बोलिए कि देखिए ब्रांड के लिए काम करने के बाद आपके, और यहाँ पे क्या है कि अगर आप वेस्टीज के लिए काम करते हैं, वेस्टीज को प्रमोट करते हैं, तो आपके जब आप रिटायर हो जाएंगे, आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे, तब भी आपको पैसा आएगा। इवन आपके इस पृथ्वी से जाने के बाद भी आपके बच्चों को, आपकी आगे आने वाली जनरेशन को भी पैसा आता रहेगा। लेकिन ये आपका ये चीज उसमें एप्लीकेबल नहीं है कि अगर आप अपनी शॉप या अपनी एजेंसी खोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बॉस कोई नहीं है, आप खुद अपने बॉस हैं और आपको अपना टारगेट खुद सेट करना है। ये भी आता है छोटा सा, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना अच्छा काम आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना अच्छी तरह से इनकम आती है, तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते। फिर आप इसमें बोलिए कि देखिए आप किसी ईश्वर को मानते होंगे, किसी देवता को मानते होंगे, किसी गुरु को मानते होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग उन्हें ही मानते हो, हर किसी के गुरु कोई और होते हैं। या आप उनको बोलिए कि आपको जो भी सब्जियां अच्छी लगती हैं खाने में, या फल अच्छे लगते हैं, या आपका फेवरेट कलर भी होगा, जरूरी तो नहीं कि वो सभी का हो, या आपको जो भी मिठाई पसंद है या जो भी खाने पीने के जो भी चीज पसंद है, वो जरूरी नहीं कि वही सबको पसंद हो। तो प्रोफेसर बोले हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप बोलिए कि देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे और आपके जैसे ड्रीमर होंगे, जो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे और उनका एक टारगेट होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने सपने पूरे कर सके। तो देखिए जो नॉर्मल जॉब या नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें कुछ ही सपने आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और यहाँ पे आप उन सपनों को पूरे करने की, सोचने की भी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं वेस्टीज के, तो वो दुकानों पर क्यों नहीं बिकते। तो देखिए आप उनको बोले कि अगर दुकानों पे जो सामान बिकता है तो वो आपको पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका नहीं देते। अगर ये प्रोडक्ट की पब्लिसिटी आलिया भट्ट, शाहरुख खान या और सेलिब्रिटी करेंगे तो आपको पैसा क्या मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है हमारे, वेस्टीज का मॉडल है कि यहाँ पे प्रमोशन आप करते हैं क्योंकि आपको पैसा कंपनी देती है। कंपनी का मानना है जब जो प्रोडक्ट यूज करेगा उसको पैसा मिलना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट के यूजर आप हैं तो आपको पैसा मिलता है। आप को
आपको पैसा मिलता है और किसी और को नहीं, आपकी जेब नहीं कटती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हूँ और जॉब ही मेरा पैशन है। आप उनको बोलिए कि देखिए अगर किसी लॉकडाउन में काफी लोगों की जॉब छूट गई थी और काफी कट लगाया गया था, ऐसा नॉर्मल वे में भी हो सकता है कि आपकी कुछ सैलरी कट कर दी जाए, तो क्या तब भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे? या आपको अचानक से, आपको होता क्या है कि आजकल जो ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेते हैं उनको सबसे पहले टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो किसी रीजन की वजह से अगर जॉब से आपको टर्मिनेट कर दिया जाए तब भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे? देखिए वो बोले कि नहीं, तो फिर आप बोलिए कि देखिए जॉब में होता क्या है कि आप किसी और पे निर्भर होते हैं और किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे केस में वो आपकी जो डोर होती है किसी और के हाथ में होती है और वो जैसे ही खींचता है तब आपका आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि आप खुद अपने बॉस हैं तो आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल मिलेगा और आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा मिलता है, क्योंकि आप जितना तेजी से जितना अच्छी तरह से काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सारे ऑब्जेक्शंस के बाद आप उनको बोलिए कि अगर 2-3 सवाल आ रहे हैं तो उनके तो जवाब आपने दे ही दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी बार बार आते जा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि अच्छा आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं जो भी क्वेश्चंस हैं सारे मेरे को एक साथ बता दीजिए और फिर मैं उनके आंसर दूंगा। तो आप अपने पेपर पे जो भी आप पेपर पेन लेके गए हैं पेपर पे लिख दीजिए सारे डाउट्स और उनको बोलिए कि देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं अगर मैं उसका लॉजिकल जवाब दे दूं तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो आप उनको बोलिए कि देखिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा जिससे कि आप 7 से 8 लाख रुपए साल का कमाने लगे, उसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करना होगा। उनको बोलिए कि मैं आपके लिए खर्च करूंगा तो क्या आप तैयार हो? वो बोले कि हाँ। तो उनसे बोलिए कि 7 से 8 लाख रुपए साल के कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने को तैयार हैं? वो बोलेंगे कि हाँ। उनको बोलिए कि देखिए 7 से 8 लाख रुपए साल का कमाने के लिए आप जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है मतलब जिस टाइम आप फ्री रहते हो क्या आप उस टाइम में काम करने के लिए तैयार हो? वो बोले कि हाँ। तो उनको बोलिए कि इसके लिए आपको हो सकता है कुछ बुक्स भी पढ़ने के लिए मैं दूंगा और कुछ ट्रेनिंग में भी जाने के लिए कहूंगा, तो आप तैयार हो? वो बोले कि हाँ। तो आप बोले कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर उनसे हाथ मिलाइए और उनकी आंखों में देखते हुए बोलिए कि क्या आप मुझ पर 2 से 3 महीने विश्वास कर सकते हो? परस्पर बोलेंगे कि हाँ। देखिए अब आपने क्या किया, एक क्वेश्चन दे दिया और उनको फील गुड करा लिया। उसके बाद फिर आप उनको बोलिए कि देखिए मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ और आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम कराने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी मैं आपकी हेल्प करूंगा तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा? वो बोलेंगे कि नहीं। तो फिर आप उनको बोले कि देखिए इतने सारे जो आपके क्वेश्चंस है ना इसको डालिए डस्टबिन में और 2 से 3 महीने मेरे साथ मिलके काम करिए, आपके जो भी सारे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और हम मिलजुल के काम करेंगे और यहाँ पे करेंगे एक धमाका। तो इससे उनको फील गुड होगा क्योंकि देखिए 2-3 क्वेश्चंस का तो आप जवाब दे सकते हैं लेकिन अगर उनके बहुत छोटे छोटे आए जा रहे हैं तब आप ये वाली टेक्निक यूज करिए। और अगर तब भी वो यूज नहीं, तब भी वो कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो आप उनको बोलिए, उनको ट्राई करिए कि आप कुछ प्रोडक्ट उनको रिटेल कर दें, कुछ प्रोडक्ट की खासियत बता दें, उनको बोलिए कि आप एज अ यूजर कर लीजिए, मेरे से कुछ प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो ले लीजिएगा। अगर तब भी वो ना माने तो उनको बोलिए कि अगर आपको कोई रेफरेंस है तो वो आप मेरे को बता दीजिए और जिससे कि वो इस बिजनेस को कर सके। तो देखिए ये थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो इसको एक रॉयल एग्जिट बोलते हैं कि आप अगर बात नहीं बन पा रही है तो तब भी आप उनसे रिलेशन बना के रखिए, अपने रिलेशन खराब मत करिए। हो सकता है कि अभी उन्हें समझ में ना आया हो लेकिन आगे आपकी प्रोग्रेस देख के, आपके व्हाट्सएप स्टेटस, आपकी फेसबुक स्टोरी देख के उनके मन में फिर से आपसे आपके साथ जुड़ने की इच्छा जागे। तो हो सकता है अभी नहीं ज्वाइन कर ले बाद में ज्वाइन कर ले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप इस तरह से इनको हैंडल करिए। तो मुझे आशा है कि आपको काफी ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है वो आ गया होगा। तो अब ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।